राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। देशभक्ति की लघु नाटिका पर बिजली गुल, मोबाइल का सहारा लिया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर में 74वां गणतंत्र दिवस पर सभी स्टूडेंट्स ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर यहाँ नगर परिषद कालका पिंजौर वार्ड नंबर 11 के पार्षद एवं समाजसेवी भाजपा युवा वर्कर सौरभ गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। यहाँ पहुँचने पर विद्यालय की प्रिंसिपल अलका गुप्ता ने फूलों के बुके देकर मुख्य अतिथि भाजपा युवा वरिष्ठ नेता सौरभ गुप्ता का स्वागत किया, जिसके बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की गई। यहाँ पर विद्यालय का स्टाफ भी साथ रहा। मंच पर विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं द्वारा रंगरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रंग बिरंगी वेशभूषा में मंच पर जमकर डांस किया गया। पंजाबी गीदा और हरियाणवी लोक नृत्य पर छात्राएं जमकर थिरकी। वहीं देशभक्ति के गीतों पर छात्रों ने गीत गाए और कविताओं के साथ साथ देशभक्ति पर स्पीच पेश की गई। कार्यक्रम के बीच में शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु पर लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही थी, तो अचानक विद्यालय में बिजली गुल हो गई। विद्यालय की टीचर द्वारा मोबाइल के साथ देशभक्ति संगीत में ही लघु नाटिका को प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी देर तक बिजली नहीं आई तो स्कूल के स्टाफ ने कार्यक्रम की शुरुआत इन्वर्टर चलाकर की, जिस कारण कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे छात्र छात्राओं को कार्यक्रम सुनने में परेशानी भी झेलनी पड़ी। यहाँ के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को दर्जनों मोबाइल में कैद किया गया था। वहीं यहाँ के रंगरंग कार्यक्रम को लेकर स्टूडेंट्स में भी गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि पार्षद एवं भाजपा युवा वरिष्ठ नेता समाजसेवी सौरभ गुप्ता ने छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स को गणतंत्र दिवस समारोह की खुशियां मनाने के लिए मिठाई के लिए विद्यालय को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की, ताकि बच्चे मुँह मीठा कर सकें। इस दौरान विद्यालय के स्टाफ और प्रिंसिपल अलका गुप्ता ने मुख्य अतिथि भाजपा युवा वरिष्ठ नेता सौरभ गुप्ता को फूलों का गमला भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विद्यालय के समस्त स्टाफ को और स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए अपने भाषण में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है इस पर बारीकी से जानकारी दी गई और कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए, ताकि विद्यालय का स्टाफ छात्र एवं छात्राओं को इस सुझाव के बारे में बारीकी से समझा जा सके। मुख्य अतिथि समाजसेवी सौरभ गुप्ता ने विद्यालय को 74वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहने के लिए प्रेरित भी किया। यहाँ पर नवजात छोटे छोटे बच्चों द्वारा विद्यालय में उनकी माओं द्वारा पौधारोपण भी करवाया गया। यह पहला मौका था जब नवजात और छोटे छोटे बच्चों ने विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया था। बाद में विद्यालय की प्रिंसिपल अलका गुप्ता ने आए हुए मेहमानों, स्टाफ और बच्चों का धन्यवाद किया। बाद में सभी को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब हम सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र क्या है? गण माने लोक और तंत्र है हमारा सिस्टम। तो ये जो गणतंत्र दिवस है ये हम सबका दिवस है, आप सब बच्चों का दिवस है, आप सबका सिस्टम है, आप सबके मौलिक अधिकारों का सिस्टम है। तो हम सभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मौलिक अधिकार, अपने कर्तव्यों को पहचानें। अगर हमें अपने अधिकार पता होंगे, अपने कर्तव्यों का हमें एहसास होगा, तो हम कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। और आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उम्र के इस पड़ाव के अंदर हैं कि आप नींव हैं आने वाले भारत की, आप भविष्य हैं इस भारत का। तो जितने हक, जितने अधिकार हमारे मंत्री साहब, प्रधानमंत्री जी को हैं, उतने ही आप सभी बच्चों को भी हैं। तो जितने भी बच्चे यहां मेरी बात को सुन रहे हैं, बस 2 मिनट मुझे दे दें, 2 मिनट लूंगा आप सभी के। तो आप सबको आज एक प्रण लेना है
कि हम अपने अधिकारों को जांचेंगे। मैं इस विषय में प्रिंसिपल महोदय से भी एक गुजारिश करूंगा कि इसी उम्र के बच्चों के साथ जो ये संविधान है हमारा, उसको समझाने पढ़ाने का कार्य शुरू किया जाए। इस मुहिम के अंदर हमारी तरफ से भी कुछ भी सहयोग रहेगा तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर इस उम्र में आप अपने सिस्टम को समझ गए, किस तरीके से अधिकार हैं आपके, कैसे कोई भी अधिकारी हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कोई भी वहां पर मूर्ख नहीं बना सकेगा। तो आज से ही प्रण लो कि अपने अधिकारों को जांचोगे, उनको समझोगे। इसी स्कूल में जहां पर आज मुझे ये सब बातें कहने का मौका मिल रहा है, मेरे पिताजी इसी स्कूल से पढ़े हैं, हमारे पत्रकार बंधु सैम्यूल साहब इसी स्कूल से पढ़े हैं, और देश के बहुत बड़े बड़े व्यापारी, स्वतंत्र सेनानी, आर्मी के ऑफिशियल्स इसी स्कूल से पढ़कर गए हैं। तो ये आपकी एक ऐसी ग्रोइंग और स्टार्टिंग स्टेज है जहां पर आपको ये सब चीजें सीखने का मौका मिलेगा, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इस बात को गांठ बांध लो, ये मौका आज है, दोबारा नहीं मिलेगा। जो टाइम आ जाए, अगर वो चला गया तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो हमें आज इस प्रण के साथ एक नई शुरुआत करनी है, ताकि जब कभी अगली बार मुझे इस मंच पर आने का मौका मिले तो आप में से कुछ बच्चे और रोल मॉडल की तरह यहाँ पर प्राइजेस लें। तो इस चीज के साथ ही हम अपनी एक और छोटी सी अगली बात के ऊपर जाएंगे। जिस तरीके से हमारा संविधान लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा यहाँ का संविधान लिखा, तो उनको भी हमारी तरफ से नमन है।